ये लोग पहली बार एक एयर बलून में बैठे थे और उसके मजे ले रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद इस लड़की को एहसास हुआ कि वे वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। उसने फटाफट बाकी के सदस्यों को उसके बारे में बताया। ये आदमी दूसरे आदमी को उसके लापरवाही के लिए डांटने लगता है, क्योंकि इसके छोटी सी गलती के कारण ये लोग अब बुरी तरह फंस गए थे। इस बीच लड़की ने नोटिस किया कि एयर बलून पवन चक्कियों की ओर बढ़ रहा है। उसे देख आदमी ने बलून की आग बढ़ा दी, जिससे एयर बलून को पवन चक्कियों को पार करने के लिए जितना संभव हो उतना ऊपर उठाया जा सके। इसके बाद हर कोई नीचे झुक गया और टकराव से बचने के लिए प्रार्थना करने लगे। ये आदमी स्थिति की जांच करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन तभी पवन चक्की का एक ब्लेड एयर बलून की टोकरी से टकरा गया। उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, जिस वजह से वो नीचे फिसल गया, जबकि एक आदमी की जांघ में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसने के बाद वो बेहोश हो गया। दोनों महिलाएं तत्काल फर्स्ट एड किट की खोज करने लगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर लड़की ने अपनी शर्ट उतार दी और रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आदमी के पैर के चारों ओर बांध दिया। महिलाएं काफी डरी हुई थी, तभी दूसरा आदमी अचानक रस्सी पकड़कर बादलों के बीच से आ गया। ये देखकर लड़की रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी इतनी देर तक अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ रहा और आखिर में गिरकर मर गया।